समझ गए तो हम शांत और स्थिर रहेंगे, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रहेगा। जब प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रहेगा तो हम अच्छे से एक्ट भी कर सकेंगे और प्रॉपर रिकवरी भी होगी। हम हो क्या रहे, लोग घबरा, जैसे थोड़ी सी सर्दी खांसी हो जाती है हमको लगता है अब मेरे नंबर, अब मेरी बारी, अब देखो उसको हुआ था, उसको ऐसा हुआ था, ये सब करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। शांति से समझे कि अभी मैं इस स्टेज पे हूं, मेरे को क्या क्या करना है। तो पहली स्टेज है, अगर आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो आप अपना अभ्यास सुधार लें। मैं सबको अभी इस बारी से, सेकंड वेव से, मैं सबको ये प्लेज दिलवा रहा हूँ, सबसे कमिटमेंट दिलवा रहा हूँ, आप भी अभी से कमिटमेंट कर लो कि जो भी आपकी बुरी आदतें हैं आप ईश्वर से ये के चरणों में रख दो कि भाई मैं, अगर मेरे पास कोई, मैं कोई एडिक्शन करता हूँ, या मैं सुबह जल्दी नहीं उठता, या मैं एक्सरसाइजेस नहीं करता, या मैं गलत खाना खाता हूँ, या मेरे कुछ बैड हैबिट्स हैं, उनको मैं छोड़ दूंगा, भगवान मेरे को कोविड ना हो, मैं अभी से ही संकल्प लेता हूँ। अभी संकल्प ले लीजिए, जो भी आपके अंदर बैड हैबिट्स हैं उसको मैं छोड़ रहा हूँ। आप सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, क्योंकि सभी को अभी तो भारत में तो लॉकडाउन है, पर दूसरे देशों में फिर से सारी चीजें रीओपन हो रही हैं, तो समय का अभाव रहता है, इसलिए जल्दी उठ जाएं। सुबह उठने से, सुबह अगर आप 1.5 से 2 घंटा जल्दी उठ जाएंगे तो आपको अत्यंत फायदा मिलेगा। आपको मैं बता ही नहीं सकता कि पेशेंट कितनी जल्दी रिकवर कर रहे हैं जिनकी लाइफ स्टाइल अच्छी है। कुछ मैं ऐसे भी जानता हूं, कल मैं अपने बड़े भैया से बात करा, उन्होंने बताया कि कोई जो बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर है उनका भी, उनकी भी डेथ हो गई, और बहुत कम आयु के थे, और वो भी कोविड में हो गई। तो खूब सारी मसल्स बना लेना और लाइफस्टाइल अच्छी ना रखना, इससे भी आपको कोविड से कोई बचा नहीं सकता है। और आप बहुत ज्यादा मसल्स आपकी अच्छी ना भी हो और आप अच्छी लाइफस्टाइल रखते हैं, आप व्यसन नहीं करते हैं, आपकी डाइट अच्छी है, आपकी मेंटल स्टेट अच्छी है, और आप में पॉजिटिविटी है, आप में फाइटर स्पिरिट है, तो आप इससे बाहर निकल आएंगे। तो अगर आपको कोविड नहीं हुआ है तो पहली चीज कि आप उठे, जब आप उठे, और ये जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर बिना, जो मैं एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ किए बिना आप पेशेंट्स देखते जा रहे हैं और अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है, आपको भी होगा, या आप उससे निकल भी जाए तो भी आपके 10-15-20 दिन खराब होंगे, आपके परिवार को भी चिंता होगी, और आप अपनी सर्विस भी सोसाइटी को नहीं दे पाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल अगर आपको रहना है तो उसके लिए आपको मॉर्निंग की कुछ हैबिट्स जो मैं बता रहा हूँ करनी पड़ेंगी। आप जल्दी उठ जाएं, आधा घंटा एक घंटा सोसाइटी को सर्विस कम दें, परिवार के साथ कम समय निकाल, पर अपने लिए एक घंटा जरूर अब निकालें। तो सुबह जब आप जल्दी उठ गए, सुबह सुबह इन एक्सरसाइजेस के करने का ज्यादा महत्व है। सुबह जब आप उठे हैं तो मैं आपको कुछ विजुअलाइजेशन टेक्निक्स बता रहा हूँ। अभी सब भय में उठते हैं, भय में उठने की आवश्यकता नहीं। जब आप सुबह उठे तो सबसे पहले अपने लिए एक माइंड फ्रेम बना लें कि मैं इस इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड रहूंगा, मैं क्या एक्टिविटीज करूंगा, मेरा दिन कैसा होगा। आगे मैं इसका साइंस भी आपको समझाऊंगा, पर अभी मैं, क्योंकि हमको बहुत सारे अभ्यास कवर करने, वैसे ही हमने आरंभ देर से किया था तो समय का अभाव है, इसलिए मैं आपको खाली पद्धति बता रहा हूँ, उस पद्धति को आप करते जाए। जब सुबह आप उठे तो सबसे पहले उठने के बाद मोबाइल न देखें, न्यूज न देखें, और कोई भी ऐसी नकारात्मक चीज न देखें। जब आप उठें तो प्रसन्नता के साथ उठें, सबसे पहला अभ्यास। जब प्रसन्नता के साथ उठेंगे तो आपके जो एंडोर्फिन्स हैं, एनकेफेलिन्स हैं, सेरोटोनिन का लेवल है वो हाई होता है, कॉर्टिसोन का लेवल नीचे जाता है। कॉर्टिसोन के बढ़े रहने से इन्फेक्शंस और इम्यून सिस्टम लो होता है, इम्यूनिटी लो होती है और इन्फेक्शन बढ़ता है। इसलिए ध्यान रखें कि जब उठें तो प्रसन्नता के साथ उठें, कितनी भी विपत्ति चल रही हो, परिवार में भी बीमार चल रहे हो, आप भी कुछ चिंता की बात नहीं है, उठें तो प्रसन्नता के साथ उठें। दूसरा बात आपको ये करनी है कि आप उठते ही जो आपका दर्शन है, अच्छा दर्शन करें, जो आप जिस ईश्वर में, जिस इष्ट में मानते हैं, आप अगर ईश्वर में नहीं भी मानते तो अच्छी सीनरीज, अच्छे जो व्यक्ति आपको प्रेरणा देते हैं, जिनमें आपकी आस्था है, उनमें माने। अगर आप ईश्वर में मानते, ईश्वर में मानते तो उनके चित्र को देखें। अब मैं जो इसके बाद आपको जो मैं अभ्यास बता रहा हूँ वो आप अभ्यास अत्यंत आवश्यक है, उसको करें। कोई भी प्रकाश का स्रोत आप उठे हो तो सुबह लाइट जला लें, और लाइट जला के उस, या सूर्य उस समय निकला हुआ हो तो सूर्य का प्रकाश, या जो भी प्रकाश का स्रोत, उस प्रकाश के स्रोत को देखें, राइट नोस्ट्रिल से आते हुए देखें उस पे। अभी कोविड के लिए केवल आप, ये तो हर चीज में काम देता है, डिप्रेशन से बाहर आने में, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बाहर आने में, हर बहुत सारी चीजों में इसका उपयोग होता है। पर अभी कोविड के समय ये देखें कि जब आप राइट नोस्ट्रिल से सांस लें, जो सूर्य नाड़ी है इससे सांस लें, आप मेरे साथ करके देखें, इससे सांस लें
और प्रकाश के स्रोत को जब अंदर जाता हुआ देखे तो ये देखें कि जो भी मेरी इम्यून बूस्टिंग जो भी शक्तियां हैं, जो आरोग्य देने वाली शक्ति है, वो नाक के द्वारा यहां से पीछे से गले के पीछे से होते हुए मस्तिष्क में जा रही है और मेरे फेफड़ों में जा रही है। और मेरे को अगर बीमारी अभी है भी नहीं, आएगी भी नहीं, और आती भी है तो इससे लड़ने की शक्ति प्रदान कर रही है। ये आपके इम्यून सिस्टम को प्रॉपर सिग्नलिंग देती है और आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो कम हो जाता है। उठते ही राइट नोस्ट्रिल से लिया और जितनी देर रोक सकते हैं रोका, और लेफ्ट से छोड़ दिया। इसमें आपको भावना ये करनी है कि जो भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली जो शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, या अपने इष्ट का लिक्विडेटेड फॉर्म, या आप उसको वेपराइज फॉर्म में देखें कि जो भी आपके इष्ट है, राम कृष्ण आप जिनमें भी मानते, उनका लिक्विड फॉर्म, गैसियस फॉर्म आपके यहां से होता हुआ आपके मस्तिष्क और छाती में जा रहे और आपके पूरे लंग्स को और आपके ब्रेन को इसने और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इसने सकारात्मक शक्ति से जो हीलिंग पावर है उससे भर दिया है और जो भी आपके अंदर बीमारी है वो सब बाहर जा रही है लेफ्ट नोस्ट्रिल से। इसे आप 3 बार करें। उसके बाद जो डेली दर्शन जो सामर्थ्य करते हैं उनको पता है डेली दर्शन का मतलब ये कि आप अपने इष्ट का, गुरु का, जो आपके तीर्थ हैं, अच्छे जो चित्र हैं जो आपको उत्साह देते हैं, आनंद देते हैं, सुबह सुबह उनका दर्शन करें। इससे आपकी मनोवृत्ति भी बदलेगी और आपकी हार्मोनल केमिस्ट्री भी बदलेगी। इसके बाद में जो शक्ति जागरण की प्रक्रिया है वो आप सब लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बहुत शॉर्ट में अभी बता देता हूं कि फिर प्रकाश के स्रोत को देखें, लेफ्ट से लेना है, सांस को रोकना है, उसमें यही अनुभव करना है कि जितनी आपकी सुषुप्त शक्ति है उसको जाते हुए देखें, गले से पीछे मूलाधार में जाते हुए देखें, वहां पर स्ट्राइक करेगा, वहां से आपकी जो सुषुप्त शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति, उसको जागृत करेगा, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा चक्र तक लेके आएगा और सहस्त्रार चक्र में जहां पे फिर से उसमें एक विस्फोट होगा, प्रकाश ही प्रकाश का अनुभव और वो उत्साह स्वास्थ्य वर्धक और आपको बहुत सबल और स्फूर्तिवान बनाने वाला है। और जितने भी आपके अंदर फिर आप उसको राइट नोस्ट्रिल से निकाल देंगे जितनी देर रोक सकते हैं, और जब राइट से निकाल रहे तो अनुभव करें कि जितने अंदर मेरे अंदर बीमारी थी, जितना जो मेरे अंदर चिंताएं थी, भय थी, जो भी मेरे अंदर बीमारी करने वाले विषाणु थे, कीटाणु थे, जो भी थॉट प्रोसेस था सब बाहर चला गया। तो लेफ्ट से लिया, रोका, राइट से छोड़ा, फिर राइट से लेते हुए वही भावना करनी है और लेफ्ट से छोड़ना है। ऐसा 3 बार आप करें, ये शक्ति जागरण है। इसको आप वैसे भी कर सकते हैं, अभी के समय में इसका बहुत महत्व है। चौथा जो मैं आपको बता रहा हूं, अब आप सुबह जब उठ गए तो या तो आप फ्रेश होके आने के बाद में आप जैसे भी अपना जो अभ्यास करते हैं उस समय भी इसको कर सकते हैं, नहीं तो आप सुबह उठे तो अपने आसपास एक रक्षा कवच बना ले। इसका साइकोलॉजिकल प्रभाव भी बहुत होता है और हॉर्मोन्स पे भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है कि अपने आसपास एक रक्षा कवच बना ले कि मैं अपने आसपास एक रक्षा कवच बनाता हूं, इसमें कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया, कोई भी नकारात्मकता, कोई भी बीमारी मेरे अंदर नहीं आ सकती है, क्योंकि मैं केंद्र से जुड़ के, अपने परमेश्वर से जुड़ के, ईश्वर से जुड़ के, उस परम सत्ता से जुड़ के जीवन को जी रहा हूं। मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं आ सकती, मुझे स्वस्थ रहना है स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। जब आप कोई भाव जोड़ देते हैं अपनी स्वस्थता के साथ, एक बड़ा उद्देश्य जोड़ देते हैं, तो प्रकृति भी आपको सहायता करती है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वायरसेस हैं उनको कंजीनियल एटमॉस्फेयर चाहिए, उनको एक अनुकूल वातावरण चाहिए आपके अंदर आने के लिए। जब आपका मनोभाव सही होता है तो प्रकृति आपके विरुद्ध नहीं जाती है। ये गहन विज्ञान है, इसमें मैं आज नहीं जाऊंगा, पर इसको आप बहुत ध्यान से समझ लें कि जो भी पद्धति मैं बता रहा हूं बड़ी वैज्ञानिक है। अब आपने ये कर लिया
उसके बाद में आपको फ्रेश होना है, पानी पीना है, तो 2 लीटर आप सुबह, आप अभी गर्मी का समय, कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी पीने का अभ्यास करें। उसमें अगर आप सुबह सुबह अगर आप उसमें एलोवेरा आंवला डालना चाहते हैं तो आप उसको डाल के पिए, पर सुबह सुबह कुनकुना पानी अवश्य पिए। आप फ्रेश होने के बाद में, नहाने के बाद में, जो मैं अभ्यास आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले ये अभ्यास करें। इस अभ्यास को समझना अत्यंत आवश्यक है, भस्त्रिका प्राणायाम है, पर इस भस्त्रिका प्राणायाम को लोग सही से नहीं करते हैं। बहुत उटपटांग चीजें चल रही है सोशल मीडिया पे। बेसिक्स को ध्यान रखें, योग हर बीमारी हर समस्या का समाधान है, जीवन की हर परेशानी का समाधान है, पर लोग उसको उसको इतना अपभ्रंश कर देते हैं, उसको विकृत कर देते हैं अपना बनाने के लिए, या फिर उसको ताकि मेरा वीडियो ऐसा, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। कोई 2-4 बार फुग्गा फुलाने से आपकी कोई बीमारी चले जाने वाली नहीं है, या बच्चे नहीं रह जाने वाले, या इधर उधर का कुछ छोटा मोटा 2-3 मिनट, उससे कुछ भी नहीं हो जाने वाला। आप देखें बहुत वीडियो भी चलते रहते हैं, बिल्कुल भ्रांति ना करें। आपको कम से कम अपने आप को आधा से 1 घंटा देना ही देना है, और ये अत्यंत आवश्यक है। ये प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि जो युवा लोग हैं, जो 35-40 साल तक के लोग हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, और जो जिन जिन जिनकी जो जिनको दूसरी और कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, वो व्यक्ति इसको कम से कम 2500 स्ट्रोक इसका करें। 1100 सुबह कर ले, 1400 शाम को कर ले, 1400 सुबह या 11 इसके स्ट्रोक 1100 शाम को कर ले, 2500 स्ट्रोक इसके जरूर जरूर करें। आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर इन्फेक्शन आया भी, आके कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा। जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स है, जिनको हाइपरटेंशन रहता है, उनको अपनी ब्लड प्रेशर डॉक्टर से कंसल्ट करके, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है इस एक्सरसाइज के बाद में, तो अपनी मेडिसिन का डोज बढ़ा ले, या ब्लड जो नमक जो लेते हैं उस नमक की क्वांटिटी कम कर दे, और थोड़ा सा अपना जो डाइट है उसको थोड़ा चेंज करके देखें कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ाता नहीं रहे। अगर बढ़ा रह जाए ये करने के बाद, तो एक्सरसाइज करना बंद ना करें, उसको ब्रेक कर करके करें, और फोर्स थोड़ा कम कर दें, पर उसको रिपीट नंबर ऑफ टाइम जितने में बताऊंगा उतने करें, कम से कम 1100 बार तो करें। इसको अगर आप कर लेते हैं तो आप बूढ़े भी व्यक्ति हो, अगर वो 40 से ऊपर के भी कोई व्यक्ति हैं, 60, 65, 70, 75 किसी भी आयु के हैं, अगर 1100 राउंड वो कर रहे हैं, तो आपको फिर से मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि उनको कोई समस्या आने वाली नहीं, अगर इन्फेक्शन हो भी गया तो। इस पद्धति को करना कैसे, देखिए सबसे पहले हमने समझा था कि बीमारी में हो क्या रहा है। बीमारी में हो ये रहा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में पहले कोरोना से पहले भी था, उतना ही था, तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कम नहीं है। आप जो एयर अंदर ले रहे हैं, उस एयर के में से ऑक्सीजन इन्फ्यूज होके आपकी एल्वियोलाइज में से, जो हवा के जो छोटे छोटे से गुब्बारे जैसे एरिया होते हैं, उसमें से ब्लड में नहीं जा रही है, बस इतनी सी समस्या है कोरोना में, और कुछ भी नहीं है। आपने अगर भस्त्रिका प्राणायाम को मास्टर कर लिया, अभी इस एक एक दिन बहुत कीमती है, एक एक दिन कीमती है, मेरी बात को आप बहुत ध्यान रखिए। जिसको नहीं हुआ है वो ये ना माने कि अब मेरे को अभी नहीं हुआ है, कोई चिंता नहीं है, मैं इसमें थोड़ा सा मन नहीं लगता है, क्योंकि लोगों को सोशल मीडिया और टीवी और इधर गपशप और दूसरी चीजों का इतना व्यसन हो गया है कि एकाग्रता नहीं होती उनकी। तो कुछ भी जो आपकी रुचि का है वो चला लें, रामायण चला लें, कोई प्रवचन चला लें, कोई भजन चला लें, जो आपको रुचिकर लगता हो। वैसे तो आप ओम की चैंटिंग लगा लें, या नमामि शमीशान लगा लें, या निर्वाण शतकम लगा लें, और ध्यान दें अपने करने पे, जो मैं बता रहा हूँ कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करनी है। इसमें अब आप अपना भाव जोड़ दें, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, कि जब आप ब्रीथ इन कर रहे हो तो प्रकाश के स्रोत से प्रकाश को नाक से जाते हुए लंग्स में जाते हुए देखें, ये अनुभव करें कि वो जाके अल्वियोलाय से टकरा रहे, और वहां पे जितने भी वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, जो आपने सिटी, थोड़ी सी मैं बात बता देता हूँ, आपने सिटी स्कैन देखा हुआ, सिटी स्कैन देख के लोग घबरा जाते हैं। सिटी स्कैन के अंदर जो स्कोरिंग आपको देते हैं वो भी कोई बहुत प्रूवन नहीं है, वो अपने अपने हिसाब से लोग रीड करते हैं, इसलिए उससे बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, उसके अंदर 2 तरीके की जो रीडिंग आती है, एक उसमें जब अल्वियोलाई आपका जो एयर सेक होता है वो कम भरा होता है, तो उसमें जो रीडिंग आती है वो कंसोलिडेटेड नहीं होती है, मैंने वो ग्लास की जैसी, हेजी ग्लास जैसी होती है, तो उसको आप कंसोलिडेटेड नहीं होती, छितरी सी हुई होती है, और उसको ये समझे
कि जैसे कोई आप नक्शा बनाते हैं तो उस नक्शे की बाउंड्री, तो ऐसी समझे कि लंग्स में भी जो छोटे छोटे से गुब्बारे हैं उनमें थोड़ा थोड़ा सा भी पानी भरा है या पस भरा है, आप जो भी समझ ले, निमोनिया हुआ है ना, उसमें थोड़ा फ्लूड है, और जो कंसोलिडेटेड होता है उसमें ज्यादा भरा होता है, तो वो एकदम से एक गुच्छे के समान बड़ा हिस्सा दिखाई देता है। तो इसमें इसमें जब डॉक्टर्स देखते हैं तो उन अपने अपने हिसाब से उसका आकलन करते हैं। इसलिए सिटी स्कैन के बाद भी बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति को हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाने की भी आवश्यकता नहीं है। डॉक्टरों को कम परेशान आप करें और स्वयं का ध्यान ज्यादा रखें, तो वो मैं बात अभी दूसरे उसमें करूंगा। अभी तो जब आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ है इस पे आपको ध्यान रखना है, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में बता रहा हूँ बहुत शांति से ध्यान से समझें इसको। आपको हवा को लंग्स में नीचे तक भेजना है, ये बात बहुत जरूरी है। आप पेट में हवा नहीं भर रहे, आप लंग्स में हवा भर रहे हैं। आप इतनी फोर्सफुली हवा को अंदर भेजेंगे और जितनी फोर्सफुली बाहर छोड़ेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। तो एक बार लेना और एक बार छोड़ना, ये एक स्ट्रोक हुआ, ये दो, ये तीन। मैं स्वयं भी कोरोना के समय, मैंने बहुत ट्रेवल किया है, मैं भारत में था और यहां भी आया, तब यहां पे बहुत कोरोना इन्फेक्शन चला था, मेरे को भी थोड़ा एहसास हुआ कि मेरे को सिम्टम्स आए हैं पर कब आके चले गए उसका आभास नहीं हुआ। ऐसा दो से तीन बार हुआ है, तो मैं आपको पूरी प्रामाणिकता से कह रहा हूँ, हजारों पेशेंट्स बता रहे हैं, हजारों लोग बता रहे हैं जिनको बहुत फायदा हुआ है। बड़ी सिंपल सी बात करने की है, इसके नंबर इंपॉर्टेंट है, आप अपनी मर्जी से नंबर कम मत कर लो, अपनी मर्जी से इसमें कुछ फेरबदल मत कर लो और अलग दिखने के लिए कुछ इसमें चीजें जोड़ो मत। कोई योग ने जितना इन्वेंट कर लिया उतना वो कर सकते हैं, हमारी बुद्धि हमारी क्षमता इतनी नहीं है, किसी की भी नहीं है, किसी यूट्यूबर की भी नहीं है और किसी फेसबुक चलाने वाले की भी नहीं है कि वो अपनी अकल लगा के इन एक्सरसाइज को बदल सके, ना आने वाले समय में कोई बदल सकेगा। जो बेसिक्स है उनको ध्यान रखो, बेसिक सही कर लो सब ठीक चलेगा। तो हवा को लंग्स में अंदर भरना है प्रेशर के साथ और प्रेशर के साथ छोड़ना है, प्रेशर के साथ भरना है और प्रेशर के साथ छोड़ना है। जैसे मैंने कहा किसी को ब्लड प्रेशर है तो वो अपना मॉनिटर करे, उसके जो मैंने ये पद्धति स्वामी शिवानंद जो MD डॉक्टर थे उन्होंने कुंडलिनी योग लिखी, मेरे हाथ में ये पुस्तक आई थी आज से करीब करीब 22-23 साल पहले। जब मैंने उसको पढ़ा, मेरा इतना योग का अभ्यास मैंने उस समय शुरू नहीं किया था, पर जब मैंने इसको किया तो मैं स्वयं के अनुभव से मैं पेशेंट्स को भी उस समय बताने लगा, मैं पढ़ रहा था तब भी बताता था और अब तो मैं इतने लोगों को बता चुका हूं। मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने इसको सही पद्धति सीख ली तो आपको ये हर चीज से, डिप्रेशन से, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, ये शक्ति जागरण करता है, कुंडलिनी जागरण करता है, तो आपकी बीमारी को नहीं हटा सकता, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। आप बहुत ध्यान से समझे, नाक से लेते हुए फेफड़ों में हवा और आप पहले धीरे धीरे का अभ्यास करें, आपको अभ्यास नहीं है 5 बार करें, रुक जाए, हवा को बाहर छोड़ दें और जितनी देर रोक सकते हैं भाई को मत करें। ये करने से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की सब बात कर रहे हैं, योगी अपने शरीर को बहुत लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन पे भी, सैचुरेशन पे भी काम करना सिखा देता है। मैं आपको वैज्ञानिक चीजें बता रहा हूं, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब व्यक्ति हम अपने शरीर को, तो क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है वो अगर मान लो ऑक्सीजन के लेवल कम भी होते हैं तो उसमें वो घबराने की बात नहीं रहेगी, क्योंकि आपके शरीर को नॉर्मल तरीके से उसमें जो फंक्शन करने की आदत है और आप उसमें से बाहर निकलते हुए अपने ऑक्सीजन सेचुरेशन को, एस्पिरेटरी जो सेचुरेशन है उसको भी आप नॉर्मल पे ले आएंगे, 95 से अबव ले आएंगे। अब इसमें आप जो प्रिस्क्रिप्शन, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रिस्क्रिप्शन है कि अगर आपको 40 साल तक के आप हैं, आपको ज्यादा कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 2500 बार इसको अवश्य करें, सुबह और शाम जैसे आप डिवाइड कर लें, कितना कितना करना है, 1100-1400 या जितना भी, रोज आपको करना ही करना है। जब सांस अंदर ले रहे हैं तो प्रकाश को अंदर आते हुए देखें, जब सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो सारी बीमारी, कोरोना से जनित प्रॉब्लम, सारी चीजें
बिल्कुल सब बाहर, सारी चिंता भय और चेहरे पे प्रसन्नता रखते हुए। मैं आपको एक मिनट करके मैं बता देता हूँ, आप जब अभ्यास हो जाएगा तो आप कैसे करें, नहीं तो 5 बार करें रुक जाएं, 5 बार करें रुक जाएं, फिर 10 बार करें रुक जाएं, 10 बार करें रुक जाएं, 20 का सेट बना लें, 20 बार करें रुके, 20 बार करें रुके, 100 तक जाएं, 150 तक जाएं, 200 तक जाएं। इस जिस समय तक आपको अभी कोरोना नहीं हो, इसका बहुत आप जो पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन है, जिनको कोविड हो भी गया है, दोज हु आर सम पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, दोज हु हैव ऑलरेडी सफर्ड विद कोरोना एंड दे आर ऑन पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन, दे शुड ऑल्सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस, दिस विल हेल्प देम टू रिकवर वेरी फास्ट। अब इसमें आपको मैं करके बता देता हूं, जो आप जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो आप इसको कैसे करेंगे, उतला उतला ना करें, है ना, करने बैठे तो इसमें मन काम चोरी ना करें कि बस ऐसे ऐसे कर लिया है, ऐसे नहीं, बिल्कुल शांति से मन लगा के करें। ऐसे आप, मैं इसको 100 बार तक, 150 बार तक, 200 बार तक, 300 बार तक भी सहन कर सकता हूं, कोई प्रतिस्पर्धा की बात नहीं है, पर आपको जैसा सूट करे, थोड़ा थोड़ा जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा आपको डिजीनेस या लाइट हेडेडनेस लग सकती है, बहुत साधारण बात है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बहुत रैपिड, जो सेचुरेशन है बहुत रैपिड तरीके से चेंज होता है, तो ये आपके बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट करना सिखा देता है। दूसरा, आपके अल्वेलाइज को खोल रहा है, इसका मतलब कि आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ब्लड जो लंग्स की है वो 500 ml से बढ़ा के 5000 ml तक कर देता है, 10 गुना बढ़ा देता है। इस एक्सरसाइज के अलावा क्या आपको करने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। अब आपने ये एक्सरसाइज सुबह और शाम आपको करनी करनी है, इसके बाद उज्जयी प्राणायाम बता रहा हूं, जो गले में खराश से जब शुरू होता है, इस समय में कोई भी सर्दी खांसी के सिम्टम को या बुखार के सिम्टम को लाइटली ना ले, उसको ये ना माने कि कोरोना है, पर यह भी ना माने कि चलो अभी कुछ और होगा तब मैं देखूंगा, थोड़ी सी भी सर्दी खांसी है तो पूरा जुट जाए, युद्ध स्तर पर जुट जाए, उसका मतलब ये कि भाप लेना 3 टाइम, आपको सिम्टम नहीं भी है तो अभी आप 3 टाइम अभी भाप ले ही लें सब लोग घर में, है ना, उसमें थोड़ा तुलसी का ऑयल डाल लें, आपको दिव्य धारा आती है वो डाल लें, 2-3 बूंद डाल लें, उसको इनहेलेशन लें, वो भी मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पर आपको जो मैं अभ्यास बता रहा हूं इसको जैसे ही थोड़ा सा आपको सिम्टम आने का अंदेशा लगे तो पहले दिन से बहुत एक्टिव हो जाए, तो ये जिनको सिम्टम नहीं वो ये कर लें। उज्जयी प्राणायाम, इससे गले में कोई इन्फेक्शन ठहर नहीं पाता, जब गले में कोई इन्फेक्शन ठहर नहीं पाता तो लंग्स में जा नहीं पाता है, इसलिए ये प्रिवेंटिव है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सांस को बाहर निकाल दे ये हो गया, इसमें गले को सिकोड़ना है, ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस को जो आप इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, आप जब इसको सिकोड़ते हैं तो ये आवाज होती है, ये करते करते आपको आ जाएगा, इसमें ये आप करते रहे, इससे कोई भी कफ बलगम आपके गले में जमा नहीं होगा, कोई इन्फेक्शन भी मान लो नाक से गया है तो वो भी सब बाहर आ जाता है, क्योंकि जिनको इन्फेक्शन रहता है वो इतना लंबा कर नहीं पाएंगे, उनको पता, उनको खांसी आने लगेगी, आपको पता पड़ेगा कि आपको अभी सर्दी सेटल होने वाली है, इसलिए पहले से आप उसको कर लें। इसके बाद ओम का उच्चारण जैसा हमने शुरू में किया था, नाभि केंद्र में प्रकाश को देखते हुए
सिर से प्रकाश को, सिर तक प्रकाश है, उससे 1.5 फुट ऊपर प्रकाश को जाते हुए देखें, उसमें उत्साह, बल, स्वास्थ्य, आप जो भाव करना चाहते हैं वो भाव करके उस प्रकाश को देखें, और 11 बार ओम का उच्चारण करें, और भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम ये प्राणायाम करने से आपका तनाव कम होगा, आपके जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स है वो कम होते हैं, और इसमें प्रकाश का ध्यान भ्रकुटी के बीच में करें, जबड़े को थोड़ा सा ढीला रखें ताकि ये कंपन पैदा करेगा, इस कंपन से जो वाइब्रेशंस पे आपकी ब्रेन भी उसमें से जो वेवलेंथ होती है, जब इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं आपके ब्रेन में, और जब इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं तो उससे कुछ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जिनको हम EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से कैच भी कर सकते हैं, तो ये ब्रेन की फंक्शन जो जो वेवलेंथ है उसको चेंज करती है, उसको कामर मोड पे लाती है, उसको शांत भाव तक लाती है, ये बच्चों के लिए जो पढ़ने वाले उनकी मेमोरी भी इससे शार्प होती है, और इसको भी 11 बार तक आप करें, और आप तनाव में है तो आपका तनाव भी कम करता है। ये आपके सुबह के जो अभ्यास है वो हो गए। अभी कुछ हमने इसमें और अभ्यास को ऐड किया है कि जैसे बहुत सारे लोग, अब मैं आ जाता हूं डाइट के ऊपर, डाइट आपको जब ड्यूरिंग अभी जब कोविड नहीं हुआ है तब भी, और जो आपको कोविड हो जाए तब भी आपको डाइट क्या रखनी, मैं इस पे आ जाता हूं। तो पहले हमने बात कर ली जो योगाभ्यास की बात कर ली, अब डाइट की बात है। डाइट आपको लिक्विड डाइट अच्छी रखनी है, सुबह पानी अच्छा पीना है, 4 से 5 लीटर अभी गर्मी का समय पानी पीने का प्रयास करें, पानी में जो भी आपको फ्लेवर अच्छा लगता हो डाल के पिए, पर पानी को अच्छा ज्यादा पीने का प्रयास करें, जूसेस, सूप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का ज्यादा इस्तेमाल करें, और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स चपाती का कम इस्तेमाल करें, राइस का कम इस्तेमाल करें, और क्योंकि इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज जो है वो इस इन्फेक्शन को फैसिलिटेट करता है, इसको थोड़ी मदद करता है, तो वो ध्यान रखें कि उनकी डाइट, भले ज्यादा खाना चाहते हैं तो ज्यादा सब्जी खाएं, रोटी कम खाएं या मिनिमल्स खाएं, या रोटी नहीं भी तो बहुत सारे फल काट लिए, सब्जी का इनको इनका आप सेवन करें। जो नॉन डायबिटिक है उनके लिए भी जो है जो खाली गेहूं का आटा थोड़ा शुगर को बढ़ाता है, तो वो मिक्स आटा हो, उसमें ज्वार, बाजरा, दूसरी चीजें मिली हो, या आटे से आपको ज्यादा फायदा मिलता है। डाइट के अंदर आपको और ये चीज ध्यान रखनी है कि आप दिन भर गर्म पानी पीते रहें, अभी गर्मी का समय थोड़ा मुश्किल है, पर गर्म पानी पीते रहें, त्रिफला का, जिनको पेट की समस्या नहीं भी है वो अपने रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को हटाने के लिए, और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, वात पित्त कफ जो होता है इन तीनों को सम करने के लिए आप त्रिफला का इस्तेमाल करें। त्रिफला 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं, जिसकी जैसी बॉडी की रिएक्टिविटी उसके हिसाब से उसका अनुपात आप घटा लें बढ़ा लें, अगर आपको ज्यादा दस्त लगे तो उसकी मात्रा कम कर दें, अगर फिर भी ढंग से नहीं आ रही तो बढ़ा लें। और जो भोजन है इसमें सबसे ज्यादा आपको जो ध्यान रखना है कि सिट्रस फ्रूट्स जो है, विटामिन सी कंटेनिंग फ्रूट्स हैं, उनका आप इस्तेमाल करें, संतरा, अनार, मौसम्बी, ऐसी जो चीजें हैं उनका आप इस्तेमाल करें, पपीते का भी आप जितना इस्तेमाल करें उतना अच्छा है, और तला गला थोड़ा कम कर दें, उससे आपको अभी इस समय में अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। आप नियम से भोजन लें, ये बहुत आवश्यक है, अब तो साइंस में भी इसको प्रूव कर दिया है। आप सुबह का भोजन भी जल्दी ले लें और शाम का भी जल्दी ले लें, जो अगर आप शाम का भोजन जल्दी ले लेंगे तो इससे इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है, उससे भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो सुबह का भोजन 10-11 बजे ले लिया, शाम का 5-6 बजे ले लिया, और फिर आपको 6 से सुबह आप जब वापस से 7-8 बजे तक कुछ नहीं खाते तो आपको कम से कम 12-13 घंटे का एक अच्छा गैप मिल जाता है। डाइट में आपको और ये चीज ध्यान रखनी है कि अभी मल्टीविटामिन जो है, मल्टीविटामिन सारे घर वालों को भी लेना चाहिए। अगर आप ऐसी कंट्री में हैं जहां पे सूरज ज्यादा नहीं आता है तो विटामिन डी की टेबलेट्स भी आप लें, जिंक और मल्टीविटामिन की टेबलेट्स आप जरूर लेते रहें, सभी लोग लें, ओवरडोज ना लें, जो आप जो भी आपका आपके कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं या जो भी हैं, या सेल्फ मेडिकेशन वाले भी जो मिलती है उस पे लिखा रहता है कि एक कितनी गोली का, बहुत ज्यादा विटामिन खाने से भी फायदा नहीं होता है, जितना आवश्यक है उतना। इसके बाद में आपको जो मुख्य चीज मैं बताना चाहता हूं कि आप डाइट और अपनी एक्सरसाइज को भी
बैलेंस रखें। तो आप डाइट को बढ़ा दें, अगर बढ़ाना भी है क्योंकि आपको इम्यूनिटी अच्छी चाहिए, पर एक्सरसाइजेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य नमस्कार का हमने बहुत उपयोग देखा, मैं स्वयं भी जब भी मैं ट्रेवल नहीं कर रहा होता हूँ और जब समय अनुकूल होता है तो मैं 200 से 250 सूर्य नमस्कार रोज लगाता हूँ। और आपसे इतने ना लगते हो तो 10-12 से शुरू करें। जो बच्चे सुन रहे हैं जिनको स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, जिनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, जिनको दूसरी कुछ समस्याएं हैं, मनोरोग हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, सारी प्रॉब्लम्स इससे दूर हो जाती है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास आप कोई भी यूट्यूब पे से देख लें, बहुत सूर्य नमस्कार है, उसमें कोई बहुत परिवर्तन नहीं, पर आप सामर्थ्यों के हिसाब से करें तो प्रकाश को अपने मस्तिष्क में और शरीर में देखें, उससे बहुत फायदा मिलेगा। दूसरा सूर्य नमस्कार का प्रभाव यह है कि जब आपकी आप एक्सरसाइज बहुत सालों तक नहीं करते अपने जीवन में, तो आपकी जो इंटरकोस्टल मसल है, आप ऐसे झुक के बैठना शुरू कर देते हैं और जो जो झुक के बैठते हैं उनकी इंटरकोस्टल मसल जो है वो स्टिफ हो जाती है पीछे की। एक तो आपकी स्पाइन भी स्टिफ हो जाती है, दूसरा आपकी इंटरकोस्टल मसल भी वीक है। तो एक्चुअली जब जब आपको इन्फेक्शन होता है और आप ज्यादा डीप ब्रीदिंग करना चाहते हैं, तो पहले ही आपकी जो एल्वियरल स्पेसेस में फ्लूड भरा हुआ है और आप ऑक्सीजन कम जा रही है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इस रेस्पिरेटरी केज, जो अपर केज है आपका, तो इससे क्या होता है, इससे आपको उस समय जब इमरजेंसी का टाइम होता है उस समय इससे बहुत आपको नुकसान पड़ता है। क्योंकि इसके कोविड के केस में छोटी छोटी सी चीजें बहुत फायदा दे जाती है, छोटी सी चीज इधर से उधर कर देती है, एक छोटी सी चीज उधर से उधर कर देती है। इसलिए मैं आपको बहुत ध्यान से ये बात शेयर कर रहा हूं कि अपनी जो जो बॉडी है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप जो भी अभ्यास कर सकते हैं, 5 सेट में आपको बता सकता हूं। आप सूर्य नमस्कार करें, 5 पश्चिमोत्तानासन करें, आप हलासन कर सकते हैं तो हलासन करें, जो युवा है वो शीर्षासन, अगर जिनको अभ्यास है वो शीर्षासन का अभ्यास बढ़ा दे, और मत्स्यासन, और इन बस इन 5 आसनों को अगर आपने कर लिया तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी करोगे। इसके अलावा भी जो आप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कोई एरोबिक्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, कम से कम 15 to 20 minutes, और सबसे अच्छा है कि आधा घंटा आपको एक्सरसाइज करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो एक्सरसाइज, विटामिन और डाइट मैंने आपको बता दिया और योग बता दिया, ये जिनको कोविड नहीं हुआ उनके लिए, अभी जिनको नहीं हुआ है उनको और जिनको हो गया उनके लिए भी मैं आपको कुछ एक अभ्यास बता रहा हूं। ये स्टीम इनहेलेशन के लिए है, स्टीमर है, इसको आपको ध्यान ही रखना है कि हमने जो अभी पिछले 1.5 साल में सीखा हुआ है कि नॉर्मली जब आप स्टीम इनहेलेशन ले रहे हैं तो आप गहरी लंबी सांस नहीं ले रहे होते हैं और फोर्सफुली नहीं ले रहे होते हैं। तो अगर नेजल ब्लॉकेज है और आपका थ्रोट इन्फेक्शन है तो जो वेपर्स हैं वो अंदर तक नहीं जा रहे होते हैं। आप अगर इसको थोड़ा सा लीनिंग पोजिशन में आगे की ओर झुक के, आगे की ओर झुकने के बाद इसमें जैसे आप भस्त्रिका करते हैं ऐसे 21 बार का राउंड करें, 3 राउंड आप कर लें और दिन में 3 बार कर लें बस। कैसे? इससे जो स्टीम है वो अंदर तक जाती है, अंदर तक क्लेंजिंग करती है और मैकेनिकल बैरियर भी क्रिएट करती है, क्योंकि वायरस को आपके जो S2 रिसेप्टर्स है उसके साथ कुछ समय रुकना पड़ता है, रुकने के बाद वहां पे उसको कुछ समय लगता है सेल के अंदर जाने में, अंदर घुसते ही वो आपको इन्फेक्ट नहीं कर देता, अंदर घुस के वो तलाश करता रहता है कि कहां से मैं अंदर जाऊंगा। और बॉडी के अंदर भी एक रिसेप्टर सिस्टम होता है जो उसको आइडेंटिफाई करता है कि हाँ इस वायरस को अंदर जाने दो, तभी वो अंदर जा पाता है। तो ये जो आप अगर इसको करेंगे 3 बार का, सब भारत में जो लोग रह रहे हैं वो नियम बना लें कि उनको सिम्टम हो कि ना हो 3 बार अवश्य करें। तुलसी का ऑयल मिलता है, खादी ग्राम उद्योग का बहुत अच्छा होता है, तुलसी का ऑयल डाल लें, नहीं तो आपको जो दिव्य धारा होती है वो डाल लें, या आपके पास कुछ भी और भी अगर इनहेलेशन के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो डालना चाहें तो डाल लें। विक्स वेपर अब न डालें, विक्स वेपर अब जाके जम जाता है अंदर, तो विक्स वेपर अब वैसे भी कभी भी इस्तेमाल करने की चीज नहीं है। उसको किसने बनाया और क्यों लोग यूज करते हैं मेरे को अभी तक समझ नहीं आया, पर विक्स वेपर अब जाके अंदर जाके बाहर इस्तेमाल करें, कोई लिक्विड ऑयल जो ऑयल बेस पे उसको आप यूज करें, 3 बार करें। जिनको अब जिनको इन्फेक्शन हो कम से कम 4-5 करें, उनको कैसे करना है, उनको आगे लीनिंग फॉरवर्ड पोजिशन में करना है कि जो जो यंग है वो अपने घुटनों पे बैठे, जैसे
वज्रासन होता है वैसे बैठ जाओ, आगे झुके हैं, जैसे आप आगे झुके इसको करेंगे तो आपको खांसी के बाउट आएंगे, खांसी के बाउट आएंगे तो कुछ फ्लैग मुको जो बलगम है उसको निकालने के लिए आप साथ में कुछ रखें, जैसे जैसे खांसी के बाउट आते जाए आप उसको करते हैं। जिनको इन्फेक्शन जैसे कुछ सिम्टम है सर्दी खांसी के, पता नहीं कि कोविड है कि नहीं, क्योंकि सर्दी हर सर्दी खांसी कोविड नहीं है, पर मान लो हमको है तो हमको सतर्क हो जाना है। इसमें आपको दूसरी चीज में जो बता रहा हूँ बहुत हमको कारगर रही है कि अगर गले से आपको अभी नाक से होकर गले तक चली गई है तो पहले तो आप नाक एक नाक को बंद करके जो भी नाक आप लेफ्ट से वैसे ही जोर से सांस खींचे और अंदर बाहर करें 20 बार ऐसा करें, और फिर दूसरी नाक बंद करके अंदर बाहर करें। जो भी बलगम आपका निकलता है उसको आप बाहर निकालते जाए, पेट में अंदर न जाने दे, बाहर निकलते जाए। बहुत सारों की आदत होती है वो अंदर कर लेते हैं, पर जितना जितना आ रहा है उसको बाहर निकालें, इससे आपको आगे जाके दूसरी प्रॉब्लम होने का भी खतरा नहीं है। इसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ही आपको इफेक्टिव रहेगा कि गले में जब खराश है तो वेपराइजर को गले के लिए कैसे यूज करें, नाक के लिए तो हम यूज कर लेते हैं, पर आपको ये करना है जैसे आप खखारते हैं, जैसे आप कभी जब आपको यहाँ पे कुछ बलगम अटका होता है तो हम कैसे करते हैं, ऐसे करते हुए आपको ऐसे अंदर सांस लेना है, भाप के साथ में। आपने क्या किया कि जब आपने इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया और गर्म भाप को आप अंदर ले रहे हैं तो जो बलगम आपका चिपका हुआ है, जो कि वैसे अगर सांस की जैसे मान लो इसमें इतना बलगम नहीं जमा है तो आप सांस धीरे धीरे वैसे ही ले रहे तो भाप अंदर जाएगी और बाहर आ जाएगी, पर आपने इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया और फिर आप जब ऐसे कर रहे जिनको इन्फेक्शन उनको खांसी चलेगी, हम यहाँ पे डिस्ट्रप्शन कह रहे हैं इसको, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोलते हैं कि एक डिस्टर्बेंस, एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट करना। तो यहाँ पे जो आप उसको टिकने नहीं दे रहे, जैसे ही वो आया है या तो यहाँ रोक रहे हैं या यहाँ रोक रहे हैं और इसको आप टिकने नहीं दे रहे, तो यहां तक आने के बाद ही पूरे जुट जाए। अगर आपको नाक और गले में कुछ हो रहा है तो उसको लाइटली ना लें, पूरे उस पर जुट जाए, भस्त्रिका करें, सूर्य बेदी प्राणायाम करें, उज्जयी करें, भाप लें, उसको वहीं रोकने का प्रयास करें। यह मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं कि सर्दी खांसी हो गई है उससे डरने की बजाय उसके ऊपर आप पूरे जुट जाएं, उसके विरोध में सारा कार्य आप शुरू कर दें, हर दृष्टि से, दवाई खाने का, पानी पीने का, जो मेडिसिन लेना है, डाइट, एक्सरसाइज, प्राणायाम, सब चीज से जुड़ जाए। आप देखें कि लंग्स तक जाने नहीं देंगे तो हम डॉक्टरों के चक्कर, लाइन, क्यू, कितना, और जब अस्पताल व्यक्ति चला जाता है तो वहां एक अकेला हो जाता है, वहां पे मनोबल भी टूटने लगता है। जब हम दूसरे लोगों को समस्या होते देखते हैं तो मनोबल टूटने लगता है। इसलिए आप आलस मत करना, बस मैं आपको एक ही बात बार बार कह रहा हूं कि डॉक्टर्स के भरोसे न रहे, खुद डॉक्टर बन जाए, आप स्वयं अपनी सहायता कर सकते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ है और हो भी गया है और माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स है तो आप अपने आप की सहायता बहुत हद तक कर सकते हैं, 99% तक कर सकते हैं, 100% जब नहीं हुआ है तब तो। अब ये आपको मैंने स्टीमिंग का बता दिया। सोते समय हमने पिछले 1.5 साल से हम कोरोनल जो किट है उसको सबको बता रहे हैं और लोगों से हमने फीडबैक भी लिया है, एक्सीलेंट रिजल्ट है। कोरोनल किट है उसको बहुत, उसके अंदर एक तो लिक्विड आती है ऑयल डालने के लिए, अणु तेल है उसको, आप जो लोग बाहर जा रहे हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर है, जो डॉक्टर्स हैं, वो सुबह अपना अभ्यास करें, उसके बाद उसको डाल के जाए, सुबह लेट के लेटने के बाद ऐसे नाक में डाल लें, 2 मिनट रुके, ऐसे मसाज कर लें, उसको थोड़ा अंदर गले तक जाने दें और फिर जाए। जब वापस भी आए तो नाक को अच्छे से गले से कुल्ला करके, नाक को साफ करके, जब आप फ्रेश होके आते हैं, नहा के आते हैं, उसके बाद में आप जब आए तो फिर भोजन करने से पहले एक आध बार उसको फिर डाल लें, और सोने जाते हैं तब एक आध बार वो डालें। जो बाहर नहीं जा रहे हैं वो कम से कम 2 बार सुबह और शाम तो इसको डाले ही डाले, इससे मैकेनिकल बैरियर क्रिएट होता है, वायरस अंदर आया भी है तो वो आपकी ACE2 जो रिसेप्टर है उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाता लंबे समय तक, इसलिए इससे फायदा होता है। और पोस्ट नेजल ड्रिपिंग को भी बचाता है। मान लो आपको यहाँ इन्फेक्शन हो भी गया है तो गले में कैसे जाता है, चल के नहीं जाता है। जब आप सोते हो आपने देखा होगा जब नाक चल रही है हम सो गए तो पीछे से टपक के दूसरे तीसरे दिन गला खराश आने लगती है, वो पोस्ट नेजल ड्रिपिंग है। नाक जहां पीछे से गले में खुलती है वहां से जैसे नाक दिन में बाहर से आगे गिरती है, पीछे से बाहर जब हम सोते हैं तो पीछे से अंदर की तरफ गिरती है।
तो इस पोस्ट नेजल ड्रिपिंग को भी ये रोकता है क्योंकि ऑयली फॉर्म में होता है और ये आपको इजीली आप उसको सॉलो करके वो नीचे चला जाता है और जब बाद में जो है फीकल मटेरियल के साथ बाहर निकल जाता है। तो आप इसको भी जो सुबह शाम है करें टेबलेट के हिसाब से। जो प्रिवेंटिव ले रहे हैं उनको, जिनको ज्यादा सराउंडेड है, फैमिली में किसी को हो गया है या उनके मित्रों से उनका मिलना जुलना है या उनका कॉन्टेक्ट है, उनको बाहर जाना पड़ता है, 2 कोरोनिल की टेबलेट सुबह भोजन के बाद खाली पेट न लें और 2 शाम को भोजन के बाद लें। स्वाशारी टेबलेट जो उसके अंदर आती है वो आप 2-2 गोली 3 बार ले सकते हैं। इनका अच्छा इस्तेमाल आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है और आपको जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहती है, तो आपका जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी और असिमिलेशन कैपेसिटी, उसको ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, तो आप उसको जो है बॉइल करके या गला के उसको गला दें तो उसका लिक्विड फॉर्म हो जाता है, फिर उसको लें तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, उसकी इफिकेसी बढ़ जाएगी। या आप स्वाशारी को गर्म भी कर लें अच्छा और उसको आप पी भी सकते हैं, तो जैसे चाय पीते हैं वैसे स्वाद आपको अच्छा लगने लगेगा। स्वाद उसका जब आप थोड़ा अभ्यास हो जाएगा तो अच्छा लगने लगेगा। चाय कॉफी आप पी रहे हैं तो चाय कॉफी की बजाय अभी इस समय में स्वाशारी क्वाथ भी आते हैं जो आपको आसानी से कहीं किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन की शॉप में मिल जाएगा, उसको भी आप इस्तेमाल करें। और दिव्य पेय है वो भी, उसमें भी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। ये आपको प्रिवेंटिव, जिनको हुआ नहीं है, बहुत सारे युवा जो हैं, जो आप सोच रहे होंगे कि युवा क्यों उनकी डेथ हो रही है, उसका कारण ये है कि एक इंटरफेरॉन, एक मैं ज्यादा साइंस में ना जाके प्रैक्टिकल बात पे आज रखूंगा कि हमारे अंदर बॉडी जब कोई बीमारी अंदर जाती है तो हमारे जो अफेक्टेड सेल होता है वो कुछ सिग्नलिंग प्रोटीन सिक्रीट करता है, और वो सिग्नलिंग प्रोटीन क्या करता है, दूसरे सारे सेल्स को बताता है कि इस तरीके के वायरस को अंदर मत आने देना, इसने मेरे अंदर खराब प्रॉब्लम करी। तो जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है उसमें ये इसको दबा देता है, उसको वो जो उनके अंदर वो कमी होती है उसके कारण क्या होती है कि बहुत सारी समस्या अंदर बढ़ जाती है, उसके बाद पता पड़ता है और जब तक पता पड़ता है लेट हो गया होता है। तो जो कार्डियक प्रॉब्लम्स भी, पोस्ट कोविड भी कार्डियक प्रॉब्लम लोगों को हो रही है, यंगस्टर्स को भी हो रही है और मेल्स में स्पेशली अभी उसका थोड़ा बढ़ा हुआ है, उसके लिए आपको केवल इतना करना है कि जो अर्जुन की छाल का से युक्त जो भी आपको जहां से भी मिलता हो, अर्जुन की छाल का जो क्वाथ है या फिर दिव्य पेय में भी उसका अर्जुन की छाल होती है, उसका आप इस्तेमाल करते रहें, सेवन करते रहें, उससे आपको फायदा मिलेगा। अपना और रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए मल्टीविटामिन जैसे आप ले रहे हैं, स्पिरुलिना भी एक आती है उसको भी आप उसको लें। स्पिरुलिना से भी आपको उसके अंदर बहुत वो शक्तिवर्धक है, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। च्यवनप्राश का भी आप सेवन करें, 1-1 चम्मच सुबह शाम, और शुगर फ्री भी आजकल च्यवनप्राश आते हैं, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो शुगर फ्री ले सकते हैं। डाबर का भी आता है, पतंजलि का भी, जिसका भी आप इस्तेमाल करना चाहें। और अपने डाइजेशन को भी अच्छा रखें, डाइजेशन अच्छे रहने से भी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। और स्ट्रेस को कम करने के लिए जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा अभ्यास मैं आपसे अभी मैं शेयर करूंगा, जब हम तीनों स्टेजेस के बारे में बात कर चुके हैं कि हम शांत स्थिति में कैसे रहें। तो ये हो गया प्री कोविड, जब कोविड ना हो उसके दम, कोविड के समय भी जो भी मैंने एक्सरसाइजेस और सारी बताई है वो भी करनी है, पर कोविड के समय में आप पहले दिन से ही जब आपको सर्दी खांसी है तो अपने अभ्यास को बढ़ा दें और इससे आपको फाइट करने का प्रयास जितना ज्यादा आप करना चाहें उतना आपको करना चाहिए। गले से जमने ना दें, मैं आपको जो बात कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, गले से चीज को नीचे ना जाने दें। आपकी शरीर में आपको अनुभव होने लगता है, आपको ये होता है बीमारी तो आपको अनुभव, आपको ये जब बीमारी होती है तो आपको अनुभव होने लगता है, आपके गले में इरिटेशन, छींक, नाक, ये अनुभव होने लगता है। जरूरी नहीं क्यों, पर आप इसको यहीं से रोकने का प्रयास करें, बैठे न रहें कि हाँ अभी तो बुखार नहीं आया है, हो सकता है, या क्योंकि जब आपका शरीर प्रोटीन ब्रेकडाउन होने लगता है तो शरीर टूटने लगता है तो अशक्ति आने लगती है, तब आप बहुत सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले दिन से ही बहुत एक्टिव होके इसको करें। जब कोविड के सिम्टम आ गए हैं तब आपको क्या करना है, बिल्कुल आपको शांत रहना है। 2 चीजों से कोविड का पता पड़ सकता है और वो 2 चीजें हैं, या तो सीटी स्कैन, बहुत जल्दी अगर आपने सीटी स्कैन करा लिया है तो वो भी मिसलीडिंग रहेगा, पहले दूसरे दिन में कुछ होता ही नहीं है, तो क्योंकि 6ठे दिन तक जाके कुछ लंग्स में जो
आर ग्लास जो इमेजेस उनको मिलती है या कंसोलिडेटेड इमेज मिलती है उसके होने का, तो उससे पता पड़ता है। तो बहुत जल्दी भी सिटी कराने से बहुत फायदा नहीं मिलता, आरटीपीसीआर सभी जगह अवेलेबल है वो करा ले, और अगर पता भी पड़ता है कि पॉजिटिव है तो बहुत चिंता ना करें। पहली चीज आपको यही करनी है जो मैंने बताया कि अपना अभ्यास बदल दे, पूरा फोकस इस पे कर दे। अगर बुखार आ गया है तो क्रोसिन से या कोई भी पैरासिटामोल टेबलेट है या महासुदर्शन वटी जो आयुर्वेद की बहुत इफेक्टिव होती है उसको ले, या कोई होम्योपैथिक दवाई आप लेना चाहें तो वो ले। कुछ भी करके टेम्परेचर को नीचे रखने का प्रयास करें, उसी समय फ्लूइड इंटेक को जो लिक्विड इंटेक है उसको बढ़ा ले, और जो लिक्विड इंटेक आपने बढ़ा हुआ है डाइट जो है सूप बेस्ड डाइट ज्यादा ले, और जितना आप फ्रीक्वेंटली खा सकते हैं 3 बार 2-3 बार उतना खाएं, और प्रयास ये करें कि आपको जो मैंने दवाइयां बताई वो दवाई भी आप सब लेते रहें, उससे आप इसको आगे जाने से रोकने का प्रयास करें। भस्त्रिका के अभ्यास को बढ़ा दें, भस्त्रिका के अभ्यास से हमको 3 से 4 दिन में रिकवरी मिलती है, 3 से 4 दिन में। 5वें दिन तो व्यक्ति ये बोलता है कि हाँ अब तो बड़ा मैं एकदम ऐसे में फंस गया था, बिल्कुल बाहर निकल आया हूं। आप इसको बिल्कुल भस्त्रिका को राम बाण समझें इसमें, और ये आपको हर समस्या से बचा लेगा। इसके नंबर बढ़ा दें, सोचिए अगर आपके शरीर पे ये 500, 1100 या 1000 या 2500 में काम नहीं कर रहे हैं तो सुबह शाम और करें, गैप के साथ करें, थोड़ी देर लेट जाए रिलैक्स हो जाए फिर करें, और पूरा अभ्यास करके ये प्रयास करें कि आप इस रेस्पिरेटरी ट्रैक को इस वायरस के लिए कंजीनियल एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस ना करें। आप ये करते हुए उसको इतना परेशान कर देंगे, हवा को इतना जाने देंगे, ऑक्सीजन जाने देंगे, प्राण शक्ति जाने देंगे, तो फिर वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगा, थोड़ा सा सर्दी खांसी होकर आपका ये सिम्टम निकल जाएगा। जब आपको क्रिटिकल सिचुएशन है, जब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं भी आपको बता रहा हूं कि 6वां दिन 5वें से 6वां दिन अलग अलग लोगों में अलग अलग वेरी करता है, 5वें से 6वां दिन इंपॉर्टेंट है। तो 5वां और 6वां दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आजकल अभी क्या हो रहा है कि पहले दूसरे दिन बुखार आता है, बुखार आके चला जाता है, हम सोचते हैं कि हमको ये ठीक हो गया, और फिर हम वही लेजी लाइफस्टाइल या हम जो कर रहे होते हैं वही करते हैं। या आपको मैं यही सजेशन देना चाहता हूं कि जैसे ही आपको थोड़ा सा सर्दी खांसी बुखार का सिम्टम लग रहा है बस जुट जाए, फिर जाए और भस्त्रिका पे जुट जाए, और आप जो दवाई ले सकते हैं, जो मेडिसिन ले सकते हैं उस पे आप हो जाए। जो मॉडरेट सिम्टम में आ गए, तो मॉडरेट सिम्टम में आप देखेंगे कि आजकल जो सिम्टम आ रहे हैं वो सर्दी खांसी तो है ही है, बुखार जो होता है किसी को कंटिन्यूसली 5-6 दिन बना रहता है, उसके लिए उसमें आपको अवश्य अपने डॉक्टर से कंसल्ट, 6 दिन बाद अगर 6ठे दिन भी बुखार बना रह रहा है तो आपको कंसल्ट करने की आवश्यकता है। बहुत सारी मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि ये चीज रिकॉर्ड होती है, बहुत सारे लोग सुनते हैं और फिर सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, पर जो मेडिसिन डॉक्टर दे रहे हैं उसमें से 99% मेडिसिन काम की नहीं है, कि वो खाली सिम्टोमेटिक, उनके पास कुछ चारा ही नहीं बचा है, इसलिए वो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, है ना। तो जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ये हो रही है, ये सब कुछ इससे हो नहीं रहा है। जो मेडिसिन आपको भारत में दे रहे हैं वो तो विदेशों में बंद है, कब से बैन की हुई है। तो आप ये सोचे कि आपका जीवन उस पर निर्भर कर रहा है, ये बिल्कुल भी ना माने, उससे कुछ भी नहीं हुआ है, उससे केवल थोड़े समय के लिए आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है। उस सिम्टोमेटिक रिलीफ में आपकी बॉडी जो है वो अपना इम्यून सिस्टम डेवलप करके उससे फाइट करने का प्रयास करती है, बस इतनी सी बात है। तो इसमें जो आपका थर्ड स्टेज, अगर क्रिटिकल स्टेज में कोई है तो क्रिटिकल स्टेज का जो 6th डे है वो इंपॉर्टेंट है, सीवियर सिम्टम। जैसे ही आपको अगर बुखार ना उतरे 2-3 दिन बाद भी, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके और जो मेडिकेशन है उस पर ध्यान देना चाहिए। हॉस्पिटल जाने का अभी प्रयास न करें, हॉस्पिटल में ना सुविधाएं है, ना वहां पे ऑक्सीजन है, ना बेड है, ना कुछ भी नहीं। आप जो मैंने अभ्यास बताया वो करते रहे, और 6ठे दिन आपको डॉक्टर से ये आप रिक्वेस्ट करें कि, क्योंकि स्टीरॉइड सभी को काम करेगा, अभी कुछ लोग हैं जो इसमें हो सकता है यहाँ पे आए भी हो, अभी समय काफी हो गया इसलिए मैं उनको आमंत्रित नहीं करूंगा, बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं। पर 6ठे दिन जो है आपको बहुत ही सही, जो अगर आप डॉक्टर से बात करें तो अगर आपको सही समय पे स्टीरॉइडल ट्रीटमेंट अगर दिया जाए, जो कि आपकी जो बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको कंट्रोल करता है और आपकी बॉडी को चांस देता है कि टू बी एबल टू रिकूप, है ना, तो 6ठे दिन पे वो स्टीरॉइडल ट्रीटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि 6ठे दिन
से स्टेरॉइड और उसकी कितनी मात्रा है वो तो आपको डॉक्टर ही बताएगा, मैं नाम अभी बताऊंगा नहीं आपको क्योंकि उसकी फिर सब जाके सेल्फ मेडिकेशन करने लग जाते हैं। पर ऐसे अच्छे अभी यहाँ पे यूके में अक्टूबर से लेके अभी जनवरी फरवरी मार्च तक इसके ऊपर रिसर्च किए, उन लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले कि अगर सिक्स डे पे अगर सही स्टेरॉइडल थेरेपी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो उससे बहुत फायदा मिलता है। तो आप इसको जरूर ध्यान रखें कि अगर बुखार कंटिन्यूसली बना रह रहा है तो जो आप कर रहे हैं वो तो करते रहे। वैसे तो आपको जो मैंने बताया है उसके बाद ये जाएगा नहीं, पर कुछ कुछ लोगों की को अंडरलाइन कॉजेज होती हैं। यस, यूकेलिप्टस ऑयल कैन ऑल्सो बी यूज्ड। कोई भी जो अंदर जाके कंडेंस हो जाता है वो चीज आप यूज ना करें, जो अंदर जाके जम जाता है ऐसा ना करें, यूकेलिप्टस ऑयल यू कैन यूज। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कह रहा हूं कि माइंडसेट प्लेज अ मेजर रोल, इसमें 70% साइकोलॉजी है, 70% साइकोलॉजी काम कर रही है इसमें। 70% साइकोलॉजी इसलिए काम कर रही है कि जब आप आपको जैसे ही कोई बोलता है कि इसको कोविड हुआ है वहां पे ही हम वी लूज 90% ऑफ द बैटल। ये मैंने देखा है अभी हजारों वो लोग जो कॉन्फिडेंट है कि मैं घर पे कर लूंगा, अच्छे से कर लूंगा, मेरा लाइफस्टाइल अच्छी है, मैं अच्छा लाइफस्टाइल जीता हूं, दोस पीपल आर कमिंग आउट ऑफ इट वेरी क्विकली। जो ओवर कॉन्फिडेंट है, मतलब जो कुछ कर भी नहीं रहे और ना गाइडेंस भी नहीं ले रहे, उन लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। तो डरना भी नहीं है और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, दोनों चीज में बड़ा सा फाइन बैलेंस रखना है कि ठीक है सर्दी खांसी जैसे सिम्टम हुए मैं अपने अब योगाभ्यास बढ़ा दूंगा, डाइट अच्छी करूंगा, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक जो भी मेडिसिन है वो लेगा, अगर बुखार आ रही तो मैं एलोपैथिक मेडिसिन ले लूंगा, पैरासिटामोल ले लूंगा और अपने टेम्परेचर को कंट्रोल रखूंगा, पॉजिटिव माइंडसेट रखूंगा और आई विल कम आउट ऑफ इट, ये माइंडसेट होना चाहिए। पर हो क्या रहा है कि नेचुरल स्टेरॉइड्स पे मैं भी आऊंगा, वेरी गुड क्वेश्चन। नेचुरल स्टेरॉइड्स अच्छे हैं, आपको हल्दी के अंदर कर्क्यूमिन होती है उससे भी आपको फायदा होता है, मैं अभी आपको बता दूंगा, आप हल्दी का दूध ले, बताने को बहुत सारे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। आप जो है लहसुन अदरक है ना इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, काली मिर्ची लहसुन अदरक हल्दी इसको मिला के पेस्ट बना ले, एक चम्मच सुबह शाम ले लें, उससे भी फायदा मिलेगा। अगर पेट में गर्मी होती है तो ये सब लेने के बाद में तो आप जो शरबत है कुछ ब्राह्मी का शरबत है या लस्सी है ये पी सकते हैं। जिसको डायरिया हो रही है, डायरिया और डिसेंट्री की प्रॉब्लम हो रही है, वो बेल का जूस ले लें, बिलवा बहुत अच्छा है, बेल का या तो पाउडर आता है या उसका लिक्विड मिल जाए तो वो ले लें, उससे आपको जो गैस्ट्रिक सिम्टम आते हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, या उदरामृत वटी आती है अगर आप वो ले लें तो उससे भी बहुत फायदा मिल जाएगा। पर आप सिक्स डे पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, जो मैं आपको बात कहना चाह रहा हूं कि सिक्स डे से 11th एंड 12th डे आर वेरी इंपॉर्टेंट डे, और सिक्स डे पे ध्यान ये देना है आपको कि जब आप जो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे थे, जो सेल्फ ट्रीटमेंट कर रहे थे खुद डॉक्टर बन के, वहां तक आपने अच्छा किया, पर अब इसके बाद में आपको कंसल्टेशन करके अपने ब्रेन अपने मस्तिष्क को शांत रखते हुए फिर भी प्रयास करना है कि आप इससे आगे क्या कर सकते हैं। डॉक्टर से खुद प्रिस्क्रिप्शन ले लें और उसको आपको घर पे एडमिनिस्टर कर सकते हैं, हॉस्पिटल और इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो जो लोग सुन रहे हैं और जिनके परिवार सुन रहे हैं, ईश्वर से ये प्रार्थना है कि उनके घर में ऐसी सिचुएशन ना आए, और बहुत कम लोगों को ऐसी सिचुएशन आई है। खाली ओल्ड एज है या अंडरलाइंग प्रॉब्लम है तो जाना पड़ता है, या किसी को डायबिटीज बहुत ज्यादा रहती है तो ब्लड शुगर के कारण उनको जाना पड़ता है। पर आप इसको बिल्कुल मन में यह विश्वास रखें कि कोविड ट्रीटेबल डिजीज है, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस डिजीज में सारी पैथी सारी या वो आयुर्वेदिक हो होम्योपैथिक हो एलोपैथिक हो सारी दवाइयों का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। खाली जो इसके पीछे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है 70% वो ये है कि हम इतना न्यूज में देख रहे हैं, इतना सब जगह देख रहे हैं, तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो नेगेटिव इम्पैक्ट की ज्यादा है, पॉजिटिव की कम है, बस इतनी सी बात है। तो अभी समय का मैं कितना हो गया, आई थिंक 1.5 घंटा होने आने वाला है, तो मैं ये करता हूँ कि अब 10 मिनट में हम सेशन अब शुरू रहेंगे। ये तो मैंने खाली अभी शुरुआत की, अगला सेशन हम अंग्रेजी में करने वाले हैं, इंग्लिश में ये खाली मैंने भारत के लोगों के लिए किया। नेक्स्ट सेशन में सभी जगह से लोग जुड़ेंगे तो उसको इंग्लिश में करेंगे, थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी सब में चलता रहेगा। अब आपको इसमें ध्यान रखने वाली जो बात है कि आप अपनी रेजिस्टेंस नेचुरली जो बढ़ा रहे हैं वो बढ़ाते बढ़ाते रहें,
पर अभी से आज से शुरू कर दें, सारे फैमिली वाले बैठ जाएं, एक अच्छा माहौल बना लें, थोड़ा सा ध्यान ये रखें कि आप लोगों के बीच में भी, फैमिली मेंबर्स के बीच में भी डिस्टेंस हो, या अपने सेपरेट प्लेस में लोग करें, जहां पे आप भस्त्रिका कर रहे हैं उसको थोड़ा सैनिटाइज कर दें ताकि एक से दूसरे को इन्फेक्शन न लगे, या अलग अलग डायरेक्शन में बैठे और जो एरिया में आपने भस्त्रिका लगी उसको आप सैनिटाइज कर दें, उससे आपको फायदा मिलेगा। क्योर के बारे में जहां तक बात है, अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले तो 10 से 15 दिन में इस इन्फेक्शन को आप क्योर कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोरोना ट्रीटेबल नहीं है, तो इसकी स्पीड इतनी है और वेरिएबल सिम्टम्स होती हैं और अलग अलग, क्योंकि ये आप होस्ट की बॉडी को यूज कर रहे हैं, ये होस्ट की बॉडी को यूज करके जो है तो सिम्टम्स जो होते हैं वो होस्ट, जो उसका होस्ट होता है उसकी बॉडी कंडीशन पे बहुत निर्भर करता है। अब अगर होस्ट की बॉडी कंडीशन अंदर से, बाहर से वो हो सकता है 25 साल का दिखे पर अंदर से उसकी जो एज है, जो यू नो बायोलॉजिकल एज एंड फिजियोलॉजिकल एज कुड बी डिफरेंट, तो उसकी जो अंदर से जो वो है वो हो सकता है 50 साल के बूढ़े जैसा उसके ऑर्गन्स हो गए हो, तो फिर उसमें जो हमको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो काफी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो जो रिस्पॉन्स है होस्ट का वो अलग होता है। इसका क्योर हम क्या देखते हैं, मैं यही देखता हूं कि अभी भारत में आप लोगों से भी निवेदन है, आप जिस जिस से भी बात करें, अब मैं अगले 5 मिनट में सेशन को समाप्त कर दूंगा, कि आप भारत में कम से कम 3 वीक का लॉकडाउन होना चाहिए। 3 वीक का लॉकडाउन इसलिए होना चाहिए कि जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है ना वो बहुत हमारे हाथ से बाहर चला गया है। मैं जिन जिन कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं उन सब कंट्रीज ने अपने, ऐसा ना सोचे कि भारत ही खराब स्थिति में है, पहली प्रार्थना आपसे कर रहा हूं। मैं विश्वभर में घुमाऊ, यहां भी आपको यूके का भी मैं बता दूं कि यूके के अंदर प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पे 325 लोगों की डेथ होती है। ये जो डेथ रेट है ये 10 to 12 times हायर है किसी और डेथ रेट से। हाँ हम ये मान सकते हैं कि डेथ रिपोर्ट नहीं होती है, सारी चीजें सब कुछ भी मान ले, तो भी ये ना माने, यहाँ के भी प्राइम मिनिस्टर को कुछ पता नहीं पड़ रहा था, मेडिकल स्टाफ को भी, जबकि छोटा सा है, 6.6 मिलियन है, इतना सा है, हमसे 20 गुना छोटा है, फिर भी यहाँ पे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो गए थे। इटली ले ले, फ्रांस ले ले, अमेरिका ले ले, जो इतना बोलते हैं भारत के लिए, अमेरिका में भी 500,000 लोगों से ज्यादा, 600,000 तक की डेथ हो गई है, और सो कॉल्ड दे आर सुपर पावर्स। जो भारत को नीचा दिखाने की बात करें, भारत के अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं है, एकदम से आया है, कहां से, कौन सोच सकता था 1 साल पहले कि इतने ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, कौन सोच सकता था इतने। यस, हमको इम्प्रूवमेंट करना है, आगे ऐसी सिचुएशंस ना हो उसका ध्यान रखना है, पर आप मन में विश्वास रखें कि ऐसा कोई भी विपत्ति काल नहीं आया है, ये थोड़े समय के लिए आया है, 10 से 15 दिन में इसकी पीक आएगी, उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेगा। 3 वीक का मैं मानता हूं कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको 3 वीक का कंप्लीट लॉकडाउन कर देना चाहिए, ये इसका इमीडिएट सॉल्यूशन है। जैसे ही 3 वीक का इसका कंप्लीट लॉकडाउन करेंगे, उससे जो कमजोर लोग हैं या जो 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 डेली वेजेस पे है उन लोगों का प्रभाव होगा, पर हमको इसको कंट्रोल करने के लिए एकमात्र उपाय कि हम डिस्टेंस, क्योंकि जैसे मैंने बोला वायरस ट्रेवल नहीं करता है, एक सर्फेस पे पड़ा है तो वहीं पड़ा है, जब तक दूसरा व्यक्ति आके उसको उठा के अपने अंदर नहीं डालता, तो जब तक आप इसको इनवाइट नहीं करते आता नहीं है। तो या तो आप किसी से मिल रहे हैं तो आप इनवाइट करें, लोगों से मिल बहुत ज्यादा अनावश्यक मिलना जुलना, अनावश्यक क्या, मिलना जुलना छोड़ दें, फेस टाइम करें, दूसरी चीजें करें, गीता पढ़े, रामायण पढ़े, अध्यात्म करें, अच्छी चीजें करें, न्यूज को बंद कर दें, ये इसका इमीडिएट सॉल्यूशन है। और जो मैंने चीजें बताई इसको करें, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। मिड टर्म सॉल्यूशन इसका ये कि वैक्सीन जो है, वैक्सीन को हम ये ध्यान रखें कि वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब जगह काम कर रही है, भारत में भी अच्छा काम करेगी वैक्सीनेशन। इसके स्ट्रेन बदलते जाएंगे तो अलग अलग वैक्सीन लानी पड़ेंगी, पर वैक्सीनेशन अच्छा काम कर रही है, और जहां पे जो लोग वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं वो लगवाएं, और इंटरमीडिएट टर्म में वैक्सीनेशन काम करेगी, और लॉन्ग टर्म में तो हमको बहुत कुछ सीखना है इस बीमारी से, हमको अपना जीवन कैसे जीना है, स्वयं का जीवन कैसे जीना है, अपना परिवार कैसे चलाना है, समाज कैसे चलेगा, राष्ट्र कैसे चलेगा, मानवता कैसे आगे जाएगी, इन सब चीजों पर विचार करने की आवश्यकता है। लॉन्ग टर्म में हेल्थ केयर सिस्टम को ठीक होना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं एक और सजेशन देता हूं जो आप जन जन तक फैलाएं, अगर आपके पास ये, आप जिन जिन से बात करते हैं, कि जो भी व्यक्ति बाहर जा रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर बाहर जा रहे हैं, जो घर में है, एक समय पूरा देश निर्धारित कर ले कि
ये आधा एक घंटा 8 बजे से 9 बजे तक, 7 से 8 या कोई भी सुबह और शाम, उस समय सभी लोग मिलकर भस्त्रिका का अभ्यास करें और सब अपने अपने स्थान पर बैठ के, अगर पूरा भारत एक साथ भस्त्रिका का अभ्यास करता है, अगर 2 मिनट भी हम अभ्यास कर लेते हैं तो ये इन्फेक्शन रुक जाएगा। क्योंकि आप जो करियर स्टेज होती है आपका, जब भस्त्रिका करते हैं तो आपके जो, आप करियर भी नहीं रहते, क्योंकि आपका नेजल पैसेज इतना ड्राई हो जाता है और स्टरलाइज हो जाता है कि आप उसके करियर भी नहीं बचते हैं। तो मेरा सबसे ये अनुरोध है कि एक समय बना ले, निर्दिष्ट समय बना ले और सब लोग अगर एक साथ इसको करें तो दो सप्ताह में इन्फेक्शन रेट बहुत नीचे आ जाएगी। और जैसे इन्फेक्शन रेट नीचे आए, हमारे पास इतनी सुविधाएं तो है, गवर्नमेंट काम कर रही है, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, तो हम सब फ्रंटलाइन लोगों को जो भी है उनको हम सैल्यूट करते हैं और हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि सब सुखी हो, स्वस्थ हो और अच्छे से रहें। इसी शुभेच्छा के साथ सकारात्मकता पे हम बात करते हुए मैं लास्ट चीज आपसे कहना चाहूंगा कि जो मन है ना, मन बड़ा चंचल है, ये जिस मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आप बहुत ज्यादा नकारात्मक चीजें देखते हैं तो आपके मन पे प्रभाव होता है कि यही चीज मेरे साथ, इसको जो अगर वैज्ञानिक दृष्टि से बोले तो हम इमिटेशन करता है, हमारा माइंड जो देखता सुनता है उसी को इमिटेट करता है। जैसे हम जिस जो मूवीज देखते हैं, जो सीरियल देखते हैं, वही हमारे दिमाग में रात में चलते रहते हैं, हम माने या ना माने। जो मैं बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप बहुत समझदारी से सोशल मीडिया से और मीडिया से दूर हो जाएं, उस समय को स्वयं को बनाने में लगा दें, तैयार करें। अभी लड़ाई और लड़नी है बहुत बड़ी, अरे सीधो क्या कुछ पूछो नहीं, जरूर नहीं, इस लड़ाई में कालपुर वाला इस लड़ाई में आपको स्वयं को तैयार करना है। तो मन बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे ही आप स्ट्रेस होते हैं कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने से इम्यूनिटी नीचे जाती है, पाल्पिटेशन होती है, कैल्शियम साइकिल चेंज हो जाती है, आंखों में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी समस्याएं आती है। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि आप स्वयं को इस देह अनुभूति से दूर रखें। जैसे आप जब नींद में जाते हैं, अच्छी नींद क्यों जरूरी है, नींद में जाते ही बॉडी पूरी रिजुविनेट होती है, पूरा उसमें जितने टॉक्सिन्स है वो बाहर जाते हैं, जितना मन के अंदर कचरा होता है वो समाप्त होता है। और हम जब सुबह उठते हैं, जिनको सही नींद आती है, वैसे तो अधिकतर लोगों को सही नींद आती नहीं है, पर सही नींद आती है, वो एकदम फ्रेश, रिफ्रेश्ड, एकदम तरोताजा होकर उठते हैं। क्यों उठते हैं? क्योंकि सोते समय जब हम भूल जाते हैं कि मैं बिजनेसमैन हूं या मैं डॉक्टर हूं या इंजीनियर हूं या वाइफ हूं, ये बहुत आवश्यक है शरीर के स्वस्थ रहने के लिए। जब आप बहुत ज्यादा चिंतन करते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, भय करते हैं, तो आप उस चिंता से, उस विचार से बाहर ही नहीं आ पाते और वो आपके शरीर पे नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो जो एंडोर्फिन है, एनकेफेलिन का जो लेवल उनका जो उसका ना लेवल कम हो जाता है, इसलिए आपके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी पद्धति बता रहा हूं, जब आप सोने जाएं, इसको हम आगे भी और समझेंगे, जब आप सोने जाएं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप शांति से लेट जाएं, 2 घंटे पहले तक कुछ ना देखें, बहुत आसान चीज है, 2 घंटे पहले कुछ ना देखें। जब आप शांति से लेट जाएं तो धीरे धीरे अपने हाथ और ऐसे चित्त लेट जाएं, उसमें आप ये ध्यान रखें पैर से लेके जंघाओं तक, यू नो अप टिल योर थाइस, इमेजिन दैट यू आर अ पृथ्वी तत्व। पृथ्वी, हम पंचभूतों से बने, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो आप पृथ्वी तत्व हैं। सारी पृथ्वी तत्व जितना व्याप्त है, ये पेड़ पौधे नदी नाले, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही सोचे, इस पर चिंता नहीं करें कि कैसे होगा, बस जो मैं बोल रहा हूँ वैसे सोचे कि ये पूरा पृथ्वी तत्व में ही, सभी जगह पृथ्वी रूप में मैं ही व्याप्त हूँ, नदी नाले पेड़ पहाड़ सब मेरे अंदर ही। अपने मन को विस्तार दे, जो संकुचित हो गया है वो विस्तारित होगा। फिर जांघों से लेके जहां आपके जेनिटल्स हैं वहां तक आप ये अनुभव करें कि ये जो तत्व है ये जल तत्व है, सारी जो आर्द्रता है जो नमी है पूरे सब कुछ मैं। आप इसको करके देखें, जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, जिनको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, उनको दूसरे तीसरे दिन से ये समस्या चली जाती है, वो बहुत रिफ्रेश होते हैं, जैसे ही करते रहते हैं सोते हैं और फिर कब सो जाते हैं पता ही नहीं पड़ता। तीसरा, आपके जेनिटल से लेके नाभि के हिस्से तक आप ये अनुभव करें कि अग्नि तत्व है, आई एम द फायर इटसेल्फ, जो अग्नि तत्व है सभी जगह, जो अग्नि तत्व में पूरे ब्रह्मांड में जो अग्नि का, इस पे दो दो तीन तीन मिनट हर एक पे आप ध्यान दें। फिर नाभि से लेके
आपकी भ्रूमध्य तक, यहां तक आप वायु तत्व है, सब जगह जो वायु व्याप्त है, जो प्राण तत्व व्याप्त है वो मैं ही हूं। उसके बाद आप ये भ्रकुटी से लेकर सिर के यहां तक आप ये देखें कि जो मैं ही आकाश तत्व हूं, जहां कुछ नहीं है, जहां ईथर है, जहां आकाश, वो आकाश तत्व में है, आकाश सर्वव्यापक है। उसके बाद में देखें कि जो आत्म तत्व है वो भी मैं ही हूं, और उसके भीतर तो आप ये स्थूल से सूक्ष्म जा रहे हैं। इसके बाद जो परमात्म तत्व है वो भी मैं हूं। तो सात तत्वों का आपने अनुभव करने का प्रयास किया, दो से तीन मिनट प्रत्येक पे करें, आपके जो बाहर के विचार हैं वो सब कट जाएंगे। सो सबसे पहले जो आपका है पृथ्वी तत्व, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश, आत्म तत्व और परमात्म तत्व। अब इन तीन, इन सबको एक के ऊपर एक विलीन करते चले जाएं। पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को आत्म तत्व में, और आत्म तत्व को परमात्म तत्व में, और सारी चेतना को अपने हृदय में संकुचित कर लें कि अब मैं सुषुप्ति में जा रहा हूं। आप जैसे ही अभ्यास करना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि आपको बहुत गहरी अच्छी नींद आएगी। जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी बॉडी केमिस्ट्री चेंज हुई होगी। जब आप सुबह का भी अभ्यास करें तो ये आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें कि आप शांति से बैठ जाएं, निर्वाण शतकम चला लें, और ये अनुभव करें कि मैं ये शरीर नहीं, ये मैं ये प्राण नहीं, ये मन नहीं, मैं इस सबसे परे शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। आधा 15 मिनट से आधा घंटा ऐसा अभ्यास करें, शांति से सब लगा लें, सारे परिवार के साथ ही बैठ जाएं भले, और ये अभ्यास करें, अपने शरीर की अनुभूति से दूर जाने का प्रयास करें। ये आपको इस लड़ाई में बहुत सहायक होगा। कचरा दिमाग में भरने से कम करें और अपने तनाव को कम करें, आनंद में रहें, हंसी मजाक करें, अच्छी चीजें करें, एक दूसरे के साथ समय अच्छा स्पेंड करें, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं, बुरे न्यूज को एक दूसरे के साथ शेयर करना छोड़ दें। और जैसे जैसे आप ये सब चीजें करने लगेंगे, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब लोग स्वास्थ्य की ओर अग्रसर होंगे। अभी विपत्ति का काल है, आप भी स्वस्थ रहें, दूसरों को भी स्वस्थ रखें। जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे विशेष अनुरोध है कि भस्त्रिका का अभ्यास अवश्य 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 करें, फिर वो जाएं, ताकि वो बीमार ना पड़े। क्योंकि वो बीमार पड़ते हैं तो कई पेशेंट हैं, वो तो खुद तो बीमार पड़ते ही हैं, पर वो फिर भी बच जाएंगे, पर कितने ही पेशेंट्स को देख नहीं पाते जिनको कुछ, जिनके साथ कुछ बुरा हो सकता है, तो वो सेवा कम कर पाएंगे। इसलिए सबको यही अनुरोध है कि ये करें। ये अनुभूत प्रैक्टिकली यूज्ड और हजारों लोगों द्वारा किए हुए, अभी हमको इस कार्य के लिए कम्युनिटी अवार्ड भी जो है वो मिला है संस्था को। अवार्ड के लिए हम काम नहीं करते, पर मैं आपको केवल एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो कार्य हमने किया है उसको रिकग्निशन भी मिली है। और आपसे ये अनुरोध है कि आप भी अभ्यास करें, और जो इधर उधर की चीजें हैं, उल्टी फुल्टी चीजें, उनको बंद करें, शांति से इस अभ्यास को करें। आपके और कोई प्रश्न है तो अगले सप्ताह में आपसे फिर आपके साथ रहूंगा, पर अगला सेशन जो होगा वो इंग्लिश में होगा। आपके जो भी प्रश्न है आप भेज सकते हैं। आप सब लोगों ने शांति से इस को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम, ओम का उच्चारण करेंगे, शांति पाठ सबके लिए मंगल कामना। आप लोग भी कीजिए, आप सब म्यूट पे हैं, पर अपने आस पास, अपने स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समष्टि के लिए मंगल कामना कीजिए, और ये प्रार्थना कीजिए कि सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांतिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांतिः। ॐ गुरुभ्यो नमः। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब लोगों का मंगल हो। जितना आप इस ज्ञान को अपने अनुभव में ला सके, खुद करें, उतना अच्छा है। दूसरों को भी आप जो है इसका अभ्यास सिखाएं। आप सब लोगों का जीवन मंगलमय हो, आप सब स्वस्थ हो,
ईश्वर से यही प्रार्थना है। जय श्री राम। धन्यवाद अमित गुरु जी और सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद। एक प्रश्न आया है कि अगली मीटिंग कब होगी, तो वो आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे। जो लोग नए हैं उनको उनको अनुरोध है कि वो अपने आप को वेबसाइट पर रजिस्टर करें या साधना जी से चर्चा करें, और जो इसमें इसमें जो जो पार्टिसिपेट करना चाहता है, जो अपने सिम्टम्स को नोट करके जो स्वस्थ भी है और जिनको सिम्टम हो भी गए, अगर वो हमारे रिसर्च में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। इससे दूसरे लोगों का भी भला होता है। अपने सिम्टम्स को नोट करते रहें, आप क्या क्या अभ्यास कर रहे थे, क्या खा रहे थे, डाइट कैसी ले रहे थे, और इससे आपको फायदा ये होगा कि आपके अनुभव से भी हम लोगों को भी, क्योंकि सब लोग सीख रहे हैं, वी आर नॉट ट्राइंग टू बी एक्सपर्ट इन दिस, जैसे पूरी दुनिया सीखना चाह रही है, हमारा जो अनुभव है उसके अनुरूप मैंने आपसे बात की, पर आपके अनुभव से अगर कुछ सीखने को मिलता है तो उससे फायदा मिलेगा। तो आप जो भी इस रिसर्च में भी पार्टिसिपेट करना चाहते वो साधना जी आप अपना नंबर टेक्स्ट कर दीजिए, मैं अभी एक मिनट और रुक जाता हूँ इस पे, ताकि जो जो लोग आपका नंबर लेना चाहते वो नंबर ले ले, और जिस जिस किसी को भी जो युवा है जो जिनको कोई समस्या नहीं है वो ऐसे सेशंस भी हमारे साथ करने चाहते हैं और दूसरे लोगों को भी करना चाहते हैं, तो बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, अगर आप एक घंटा अपने जीवन का या एक घंटा आप सप्ताह में एक बार दे सकते हैं तो ऐसे बच्चे भी जो है, युवा भी है, जो भी करना चाहते हैं उनको हम अलग से ट्रेनिंग सेशन करके उनको हम प्लेटफॉर्म भी देंगे, उनके लिए अरेंजमेंट भी करा देंगे, ताकि साधना जी का नंबर स्क्रीन पे है आप लोगों के लिए, तो आप एक घंटा पहले खुद अभ्यास करें और फिर आपको लगता है कि आप 15 मिनट से आधा घंटे का या 40 मिनट का कोई सेशन आप कर सकते हैं इस जितनी पद्धति हमने बात की है इस पे जागरूकता लाने के लिए, तो आप संपर्क करें, उसके लिए हम आपको जो भी उचित व्यवस्था है वो सब प्रदान करेंगे। पर प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे, अच्छी अच्छी बातें करें, जीवन की जो अच्छी आपकी जो 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 यादें हैं, जो अपने मित्रों के साथ, उन सबके साथ आप बात वो बातें करें, सकारात्मक बात करें, देश के लिए क्या कर सकते हैं, राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, जब जब तक ये जब ये सब चीज खत्म हो जाएगी तब हम राष्ट्र को कैसे आगे ले जाएंगे, मानवता को कैसे आगे ले जाएंगे, हमको क्या अपना आकलन करना चाहिए, क्या हमारी बुरी आदतें हैं। प्रणाम। आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि जो आपके अंदर बुरी आदत है उसको आज छोड़ दीजिए और ये प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु मैं आज से ये बुरी आदत छोड़ता हूं, मेरे परिवार में कोरोना ना आए, मेरे को कोरोना आए, मैं आज से अच्छा जीवन अपना रहा हूं और ये मैंने छोड़ दिया। आप देखिए आपके संकल्प में कितना बल रहेगा और आपकी बुरी आदत भी छूट जाएगी। जय श्री राम। 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 बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सभा की समाप्ति कर दी। जय श्री राम।